आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बैक टू बैक विनिंग मैच प्रेडिक्शन के साथ। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 के 11वें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच। ये मुकाबला 21 अक्टूबर को बेलराइव ओवल स्टेडियम हॉबर्ट में खेला जाएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, करेंगे टीम का कंपैरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 3 मुकाबलों में वेस्ट इंडीज की टीम जीती है, वहीं 2 मुकाबलों में आयरलैंड ने जीत हासिल की है। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग यहां पर दोनों ही टीमें लगभग बराबर नजर आ रही हैं। हल्का सा पड़ा यहां पर वेस्ट इंडीज का भारी है। अब बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें वेस्ट इंडीज की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे काइले मायर्स, जॉनसन चार्ल्स, एवन लुइस, कप्तान निकोलस पूरन, समारा ब्रूक, रोमन पावेल, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अलजारी जोसेफ, ऑर्डन स्मिथ और ओबेन मोकोई। वेस्ट इंडीज की टीम देखने में एवरेज नजर आ रही है, क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी? इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी आयरलैंड की प्लेइंग 11। तो हमें आयरलैंड की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे पावल स्टिरलिंग, कप्तान एंड्रयू बालब्रिन, लॉर्ड कंट्रेकर, हैरी ट्रैक्टर, क्रिस्टियन चैम्पर, जॉर्ज डॉकरेल, ग्रेट डेलानी, मार्क आदिल, सिमी सिंह, बैरी मैकार्थी और जूसा लिटिल। दोनों ही टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइनअप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। हल्का सा पड़ रहा है यहाँ पर वेस्ट इंडीज का भारी लग रहा है। वहीं अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप में दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं। इन दोनों के बीच हमें 160 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो यह मुकाबला खेला जाएगा बेलराइव स्टेडियम हॉबर्ट में। यहाँ की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली रहती है। यहाँ के फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 172 रन है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 152 रन है। यहाँ का हाईएस्ट टोटल 213 है, वहीं लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 118 है। यहाँ का हाईएस्ट चेज 180 है, वहीं लोएस्ट डिफेंड की बात की जाए तो 179 है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के पास जीतने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी प्रेडिक्शन का। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉस और मैच से रिलेटेड काफी सारी अपडेट आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों ही टीमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही हैं। आयरलैंड अपना पिछला मुकाबला 180 रन चेस करके जीती है, वहीं वेस्ट इंडीज अपना पिछला मुकाबला 153 रन डिपेंड करके जीती है। दोनों ही टीमों के बीच एक कड़ी टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम जीत हासिल करेगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले।